आप देख रहे हैं दखल न्यूज। चलो चलो भाई फटाफट, 15 मिनट में तिलहरी पहुंचना है। कितनी बुकिंग्स मिल जाती है? साहब बुकिंग तो बहुत हो जाती है, लेकिन सारा बेनिफिट बाहरी कंपनियां ले जाती हैं। सोच रहा हूँ कि आइडिया भाजपा को दूं कि ऑटो रिक्शा को कस्टमर से जोड़ने वाली ऐप गवर्नमेंट खुद बना दे, ताकि हमारा बेनिफिट हमारी जेब में रहे। रोको रोको, क्या हुआ साहब? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, अभी के अभी भेजो भाजपा को समृद्ध एमपी के लिए। लेट हो रहा है ना, मैं बाद में कर दूंगा। भाई तुम्हारे इस आइडिया से प्रदेश के ऑटो वालों का फायदा होगा, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? बात तो आप सही कह रहे हैं साहब, शिवराज है तो हमें भरोसा है कि हमारा आइडिया सुना भी जाएगा और पूरा भी किया जाएगा। तो फिर समृद्ध एमपी बनाने में देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। प्रिय बहनों और भाइयों, मेरी सरकार का लक्ष्य विकास। यार समृद्ध एमपी के लिए एक शानदार आइडिया है मेरे पास। अखबार छपने की डेडलाइन खत्म हो रही है और तुम लोग बैठकर बातें कर रहे हो। बातें नहीं सर, दरअसल मिलिंद अपना आइडिया शेयर कर रहा था समृद्ध एमपी के लिए। गुड, कोई इफेक्टिव आइडिया? हाँ सर, वही बता रहा था, आज का अखबार निकल जाए तो फिर कल शेयर करता हूँ भाजपा से अपना आइडिया। नहीं नहीं, पहले अपना आइडिया शेयर करो। अखबार के लिए तो रोज काम करते हो, आज प्रदेश के लिए काम करो। शिवराज हैं तो भरोसा कर सकते हैं कि हमारे आइडिया से पूरे प्रदेश को बेनिफिट मिलेगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में इतनी देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। गुस्सा आता है जब किसानों के हक का पैसा जन आशीर्वाद यात्राओं में खर्च हो जाता है, जब जनता के स्वास्थ्य का पैसा बड़े बड़े आयोजनों में उड़ जाता है। अरे गुस्सा आता है जब बच्चों की शिक्षा का पैसा गलियों में होर्डिंग बनके टंग जाता है, जब कर्ज में डूबी हुई सरकार का खजाना विज्ञापनों में खाली हो जाता है। मैं मध्य प्रदेश का एक नागरिक हूं और अब मुझे भी इस विज्ञापनों वाली भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब बेमतलब की नोटबंदी का असर आज भी मेरे व्यापार पर आता है, जब GST की कठिनाइयों में हर महीने मुझे उलझाया जाता है। अरे गुस्सा आता है जब भाजपा वालों की मदद से कुछ उद्योगपति करोड़ों का चूना लगाकर भाग जाते हैं और हम जैसे छोटे व्यापारियों को कर्ज लेना मुश्किल हो जाता है, और हद तो तब हो जाती है जब ये भाजपा वाले आयोजनों के नाम पर चंदा मांगने आ जाते हैं। मैं मध्य प्रदेश का व्यापारी हूँ और अब मुझे इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का लोकार्पण, मोदी बोले पटेल ने देश को रास्ता दिखाया। राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, बंद लिफाफे में बताएं कीमत। बिसेन का वीडियो वायरल, 10,000 साड़ी बांटकर जीतेंगे चुनाव। नक्सली मुठभेड़ में कैमरामैन का मां के नाम आखिरी संदेश। और नर्मदा नदी में चुनावी कवायद, वाटर फ्लाइंग स्क्वाड रखेगा नजर।
नमस्कार, मैं हूं शेफाली। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गुजरात के केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया की ये सबसे ऊंची प्रतिमा पूरी दुनिया और हमारी भावी पीढ़ियों को सरदार साहब के साहस, सामर्थ्य और संकल्प की याद दिलाती रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सरदार पटेल जैसे महापुरुषों को याद करने पर भी अब आलोचना होने लगी है। पीएम ने इस दौरान विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि सरदार पटेल जैसे महापुरुषों, देश के सपूतों की प्रशंसा करने के लिए भी हमारी आलोचना होने लगती है। ऐसा अनुभव कराया जाता है मानो हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। आज देश के लिए सोचने वाले युवाओं की शक्ति हमारे पास है। देश के विकास के लिए यही एक रास्ता है जिसको लेकर हमें आगे बढ़ना है। देश की एकता, अखंडता और सार्वभौमिकता को बनाए रखना एक ऐसा दायित्व है जो सरदार साहब हमें देकर गए हैं। ये उन आदिवासी भाई बहनों के योगदान का स्मारक है जिन्होंने आजादी के आंदोलन से लेकर देश की विकास यात्रा में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। ये प्रतिमा उनके सामर्थ्य और समर्पण का सम्मान तो है ही, ये न्यू इंडिया नए भारत के नए आत्मविश्वास की भी अभिव्यक्ति है। पीएम बोले कि सरदार पटेल ने 5 जुलाई 1974 को रियासतों को संबोधित करते हुए कहा था कि विदेशी आक्रांताओं के सामने हमारे आपसी झगड़े, आपसी दुश्मनी, बैर का भाव हमारी हार की बड़ी वजह थी। अब हमें इस गलती को नहीं दोहराना है और ना ही दोबारा किसी का गुलाम होना है। सरदार साहब के इसी संवाद से एकीकरण की शक्ति को समझते हुए उन्होंने अपने राज्य का विलय कर दिया। देखते ही देखते भारत एक हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने एक लीवर खींचकर इस प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद वायुसेना के विमान फ्लाई पास्ट करते हुए प्रतिमा के ऊपर से तिरंगा बनाते हुए गुजरे। इस कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल ओपी कोहली, मध्यप्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, कर्नाटक के राज्यपाल वजूभाई वाला के अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मौजूद थे। राफेल सौदा मामले में दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सरकार से विमानों की कीमत की जानकारी मांगी है। अदालत ने सभी जानकारियां बंद लिफाफे में देने को कहा है। इस मामले में शीर्ष अदालत में 4 याचिकाएं दाखिल हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बंद लिफाफे में केंद्र सरकार से 10 दिनों के भीतर सौदे की कीमत और इंडियन ऑफसेट पार्टनर के बारे में जानकारी मांगी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार हलफनामे में चाहें तो बता सकती है कि वो कीमत नहीं बताएंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार में जिन सूचनाओं को उपलब्ध कराया है उन्हें वैध तरीके से पब्लिक डोमेन में लाया जाना चाहिए। हालांकि इंडियन ऑफसेट पार्टनर के बारे में जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। सुरक्षा कारणों से उसे सील बंद लिफाफे में दिया जाए। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस के कॉल और जस्टिस के एम जोसेफ की पीठ इस मामले में दायर अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा, विनीत धांधड़ा, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी व वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की याचिकाओं पर सुनवाई की। सीनियर एक्टर निर्देशक अनुपम खेर ने भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इस कारण बताते हुए अनुपम खेर ने अंतर्राष्ट्रीय टीवी शो के प्रति अपने कमिटमेंट का हवाला दिया है। अनुपम खेर ने भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्था के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। पिछले साल ही अनुपम खेर ने इस जिम्मेदारी को संभाला था। तब उन्होंने कहा था कि वे फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट के छात्रों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं और छात्रों की राय जानने के बाद ही वह कोई कदम उठाएंगे। खेर ने कहा था कि अभी ही आगे क्या काम करना है इसे तय करना जल्दबाजी होगी। अनुपम ने तमाम फिल्मों के साथ टीवी शोज में भी काम किया है। अनुपम सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन भी रह चुके हैं। समय एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज। चलो चलो भाई फटाफट, 15 मिनट में तिलहरी पहुंचना है। इतनी बुकिंग्स मिल जाती है साहब? बुकिंग तो बहुत हो जाती है, लेकिन सारा बेनिफिट बाहरी कंपनियां ले जाती हैं। सोच रहा हूँ कि आइडिया भाजपा को दो कि ऑटो रिक्शा को कस्टमर से जोड़ने वाली ऐप गवर्नमेंट खुद बना दे, ताकि हमारा बेनिफिट हमारी जेब में रहे। रोको रोको, क्या हुआ साहब? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, अभी के अभी भेजो भाजपा को समृद्ध एमपी के लिए। लेट हो रहा है ना, मैं बाद में कर दूंगा। भाई तुम्हारे इस आइडिया से प्रदेश के ऑटो वालों का फायदा होगा, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? बात तो आप सही कह रहे हैं साहब, शिवराज है तो हमें भरोसा है कि हमारा आइडिया सुना भी जाएगा और पूरा भी किया जाएगा। तो फिर समृद्ध एमपी बनाने में देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। प्रिय बहनों और भाइयों, मेरी सरकार का लक्ष्य विकास। यार समृद्ध एमपी के लिए एक शानदार आइडिया है मेरे पास। अखबार छपने की डेडलाइन खत्म हो रही है और तुम लोग बैठकर बातें कर रहे हो। बातें नहीं सर, दरअसल मिलिंद अपना आइडिया शेयर कर रहा था समृद्ध एमपी के लिए। गुड, कोई इफेक्टिव आइडिया? हाँ सर, वही बता रहा था, आज का अखबार निकल जाए तो फिर कल शेयर करता हूँ भाजपा से अपना आइडिया। नहीं नहीं, पहले अपना आइडिया शेयर करो। अखबार के लिए तो रोज काम करते हो, आज प्रदेश के लिए काम करो। शिवराज हैं तो भरोसा कर सकते हैं कि हमारे आइडिया से पूरे प्रदेश को बेनिफिट मिलेगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में इतनी देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। गुस्सा आता है जब किसानों के हक का पैसा जन आशीर्वाद यात्राओं में खर्च हो जाता है, जब जनता के स्वास्थ्य का पैसा बड़े बड़े आयोजनों में उड़ जाता है। अरे गुस्सा आता है जब बच्चों की शिक्षा का पैसा गलियों में होर्डिंग बनके टंग जाता है, जब कर्ज में डूबी हुई सरकार का खजाना विज्ञापनों में खाली हो जाता है। मैं मध्य प्रदेश का एक नागरिक हूँ और अब मुझे भी इस विज्ञापनों वाली भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब बेमतलब की नोटबंदी का असर आज भी मेरे व्यापार पर आता है, जब जीएसटी की कठिनाइयों में हर महीने मुझे उलझाया जाता है। अरे गुस्सा आता है जब भाजपा वालों की मदद से कुछ उद्योगपति करोड़ों का चूना लगाकर भाग जाते हैं और हम जैसे छोटे व्यापारियों को कर्ज लेना मुश्किल हो जाता है, और हद तो तब हो जाती है जब ये भाजपा वाले आयोजनों के नाम पर चंदा मांगने आ जाते हैं। मैं मध्य प्रदेश का व्यापारी हूँ और अब मुझे इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नया रायपुर में एक सड़क हादसे में दो स्कूली बच्चों सहित चार लोगों की मौत हो गई। यह हादसा दो बसों के आपस में टकराने से हुआ। नए रायपुर में स्कूली बच्चों से भरी बस और मंत्रालयीन कर्मचारियों की बस के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दो बच्चों सहित चार लोग मारे गए। यह बच्चे केंद्रीय विद्यालय के थे। स्कूल बस में सामने की सीट पर बैठे दो बच्चों और कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मंत्रालय की बस में बैठे एक कर्मचारी की भी मौत की खबर आई है। घटना में कई बच्चे घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बसों के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बच्चों को बस से बाहर निकाला। इसी बीच पुलिस टीम भी वहां पहुंची और एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को अस्पताल भेजा गया।
मध्य प्रदेश के मंत्री गौरी शंकर बिसेन का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि 10,000 साड़ी बांटकर वो चुनाव जीतेंगे। इतना ही नहीं, बिसेन 100 करोड़ रुपए में प्रधानमंत्री मोदी से केंद्रीय कृषि या वन राज्य मंत्री के पद का ठेका करने की बात भी कहते नजर आ रहे हैं। बालाघाट में पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता कंकर मुंजारे ने प्रदेश के कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन का एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में बिसेन कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी मेरी बहन है, उन्होंने सूरत में 30 लाख रुपए में 10,000 साड़ी प्रोडक्शन कॉस्ट में प्रिंट करने के लिए कहा है जिसे वे अपने क्षेत्र में बांटेंगे। वीडियो में नजर आ रहे बिसेन 100 करोड़ रुपए में प्रधानमंत्री मोदी से केंद्रीय कृषि या वन राज्य मंत्री के पद का ठेका करने की बात कर रहे हैं। कंकर मुंजारे के वीडियो जारी करने के बाद बिसेन इसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हैं। उधर कांग्रेस नेता विशाल बिसेन ने दिल्ली में इस वीडियो की सीडी बनाकर निर्वाचन आयोग को भेजी है। आनंदम वहां से 5 पंचायत बटे चुनाव, पहले ठेका होगा नरेंद्र मोदी से कर लूंगा और ठेका राजमंत्री से तो प्रभाव तो लड़ूंगा नहीं मिलने तो मैं नहीं लड़ूंगा। 100 करोड़ पर लगेगा, 100 करोड़ सब पर खाले को पार कर रही बैठ लू, 100 करोड़ पर लगेगा। वीडियो जारी करते हुए मुंजारे ने आरोप लगाया कि बिसेन धनबल के जरिए चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो में जिस तरह से वे लोगों को साड़ी बांटकर वोट पाने का दबाव कर रहे हैं वो आपराधिक काम है। मुंजारे ने आरोप लगाया कि बिसेन प्रशासन के सहयोग से चुनाव को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बिसेन द्वारा कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर 100 करोड़ में केंद्रीय कृषि या वन राज्य मंत्री के पद का ठेका लेने की बात की जांच की मांग की है। नक्सलियों की गोलीबारी के बीच एक कैमरामैन ने मौत को सामने खड़े देखा और वीडियो संदेश अपनी मां को भेजा कि मम्मी मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, हो सकता है मैं मारा जाऊं। इस फायरिंग में नक्सलियों की गोली कैमरामैन को लगी और उसकी मौत हो गई, लेकिन यह संदेश मां बेटे के प्रेम की कथा को बयान कर रहा है। दंतेवाड़ा में नीलवाया के जंगलों में पुलिस बल पर नक्सलवादियों ने हमला कर दिया। इस हमले में एसआई रुद्र प्रताप सिंह और सहायक आरक्षक मंगलूम मंडावी और एक कैमरामैन शहीद हो गए। इस मामले में दिल्ली से आए डीडी न्यूज के कैमरामैन की भी मौत हो गई। दूरदर्शन की टीम कॉम्बिंग गश्त को शूट कर रही थी, जिस समय दोनों ओर से गोलियां चल रही थी उस समय कैमरामैन ने अपनी मां को एक संदेश भेजा कि मम्मी मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, हो सकता है मैं मारा जाऊं। आतंकवादी हमला हो गया है, हम दंतेवाड़ा में आए थे इलेक्शन कवरेज पर, एक रास्ते से जा रहे थे, आर्मी हमारे साथ थी, अचानक घेर लिया है नक्सलियों ने। मम्मी अगर मैं जीवित बचा, गनीमत है, मम्मी मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, हो सकता है इस हमले में मैं मारा जाऊँ, परिस्थिति सही नहीं है। पता नहीं क्यों मौत को सामने देखते हुए डर नहीं लग रहा है, बचना मुश्किल है। यहाँ पर 6-7 जवान हैं साथ में, चारों तरफ से घेर लिए हैं, फिर भी मैं यही कहूँगा। डीडी न्यूज के कैमरामैन को मुठभेड़ के दौरान यह एहसास हो गया था कि अब शायद वो ना बच पाए और क्रॉस फायरिंग के दौरान गोली लगने से उनकी मौत हो गई। मां बेटे के प्रेम से जुड़ी इस खबर के बाद एक खबर और बस्तर से, नक्सलवादियों के एक विस्फोट का वीडियो सामने आया है। यह वीडियो 27 अक्टूबर का है। इस विस्फोट में 4 जवान शहीद हो गए थे। बस्तर में नक्सलवादियों के साथ चल रहा पुलिस फोर्स का युद्ध कितना विकराल है, इसका वास्तविक चित्र कभी कभी ही सामने आ पाता है।
27 अक्टूबर को बीजापुर जिले के मुरदंडा क्षेत्र में माओवादियों ने 90 किलो का आईईडी सड़क में प्लांट कर एंटी लैंडमाइन व्हीकल को टारगेट कर विस्फोट किया था, जिसमें चार जवान शहीद हो गए थे जबकि दो जवान बुरी तरह से घायल हुए थे। घटनास्थल से 200 मीटर की दूरी पर स्थित सीआरपीएफ कैंप में लगे सीसीटीवी फुटेज में यह ब्लास्ट कैद हो गया था। समय एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। चलो चलो भाई फटाफट, 15 मिनट में तिलहरी पहुंचना है। कितनी बुकिंग्स मिल जाती है? साहब बुकिंग तो बहुत हो जाती है, लेकिन सारा बेनिफिट बाहरी कंपनियां ले जाती हैं। सोच रहा हूँ कि आइडिया भाजपा को दूं कि ऑटो रिक्शा को कस्टमर से जोड़ने वाली ऐप गवर्नमेंट खुद बना दे ताकि हमारा बेनिफिट हमारी जेब में रहे। रोको रोको, क्या हुआ साहब? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, अभी के अभी भेजो भाजपा को समृद्ध एमपी के लिए। लेट हो रहा है ना, मैं बाद में कर दूंगा। भाई तुम्हारे इस आइडिया से प्रदेश के ऑटो वालों का फायदा होगा, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? बात तो आप सही कह रहे हैं साहब, स्वराज है तो हमें भरोसा है कि हमारा आइडिया सुना भी जाएगा और पूरा भी किया जाएगा। तो फिर समृद्ध एमपी बनाने में देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। प्रिय बहनों और भाइयों, मेरी सरकार का लक्ष्य विकास। यार समृद्ध एमपी के लिए एक शानदार आइडिया है मेरे पास। अखबार छपने की डेडलाइन खत्म हो रही है और तुम लोग बैठकर बातें कर रहे हो। बातें नहीं सर, दरअसल मिलिंद अपना आइडिया शेयर कर रहा था समृद्ध एमपी के लिए। गुड, कोई इफेक्टिव आइडिया? हाँ सर, वही बता रहा था, आज का अखबार निकल जाए तो फिर कल शेयर करता हूँ भाजपा से अपना आइडिया। नहीं नहीं, पहले अपना आइडिया शेयर करो। अखबार के लिए तो रोज काम करते हो, आज प्रदेश के लिए काम करो। शिवराज हैं तो भरोसा कर सकते हैं कि हमारे आइडिया से पूरे प्रदेश को बेनिफिट मिलेगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में इतनी देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। गुस्सा आता है जब किसानों के हक का पैसा जन आशीर्वाद यात्राओं में खर्च हो जाता है, जब जनता के स्वास्थ्य का पैसा बड़े बड़े आयोजनों में उड़ जाता है, और ये गुस्सा आता है जब बच्चों की शिक्षा का पैसा गलियों में होर्डिंग बनके टंग जाता है, जब कर्ज में डूबी हुई सरकार का खजाना विज्ञापनों में खाली हो जाता है। मैं मध्य प्रदेश का एक नागरिक हूं और अब मुझे भी इस विज्ञापनों वाली भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब बेमतलब की नोटबंदी का असर आज भी मेरे व्यापार पर आता है, जब जीएसटी की कठिनाइयों में हर महीने मुझे उलझाया जाता है। अरे गुस्सा आता है जब भाजपा वालों की मदद से कुछ उद्योगपति करोड़ों का चूना लगाकर भाग जाते हैं और हम जैसे छोटे व्यापारियों को कर्ज लेना मुश्किल हो जाता है, और हद तो तब हो जाती है जब ये भाजपा वाले आयोजनों के नाम पर चंदा मांगने आ जाते हैं। मैं मध्य प्रदेश का व्यापारी हूँ और अब मुझे इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीजेपी फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री उमा भारती और उनके गार्ड के ऊपर जानलेवा हमला करने के चर्चित मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए सभी 11 आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है। उमा भारती और उनके गार्ड पर 8 फरवरी 1998 को हमला हुआ था। उमा भारती और उनके गार्ड पर हमले के मामले में सभी 11 आरोपियों को छतरपुर के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार शर्मा की अदालत ने बरी कर दिया है।
उमा भारती के गार्ड एसएएफ की 10वीं बटालियन के एएसआई हरिओम प्रसाद लटोरिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि बमीठा थाना क्षेत्र के चंद्रनगर आम रोड में 8 फरवरी 1998 की दोपहर वे और उमा भारती आम रोड पर पहुंचे थे तो आरोपियों ने उनके वाहन सामने जीप खड़ी कर दी और पथराव कर गोली चलाई। इस वारदात के बाद उमा भारती जैसे ही चंद्रनगर चौकी के सामने पहुंची उसी समय मनोज त्रिवेदी, अर्जुन सिंह, गोविंद सिंह, भगवान दास नामदेव, सलीम खान, हाफिज उर्फ जमाल, रघुवीर प्रसाद, शहादत खान, संजीव राज, लखन लाल दुबे, शंकर नामदेव, फयाज खान ने उमा भारती के गार्ड हरिओम लटोरिया के ऊपर पथराव करके गोलियां चलाई। अट्ठाईस फरवरी 1998 की घटना है। उमा भारती की गाड़ी के ऊपर हमला किया गया, बल का प्रयोग करते हुए हमला किया गया, मारो मारो गोली मार दो, और उनके अंगरक्षक हरिओम लटोरिया के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। हरिओम लटोरिया द्वारा FIR दर्ज कराई गई। धारा 148, 307, 332 विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध हुआ, न्यायालय में मामला चला और उसमें 11 आरोपी बरी हो गए। पहले तो हम ये न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहेंगे, हम लोग को भरोसा था। ये केस 98 का केस था, एक राजनीतिक केस था और इसमें आज जो हम लोगों को न्याय मिला है उसके लिए हम अपने न्यायपालिका के आभारी हैं। हम लोग को भरोसा था, ईश्वर पर भी भरोसा था कि हम लोग बरेंगे। ये लोकसभा के चुनाव के दरमियान की बात है, उस समय पर हम लोगों के ऊपर ये 307 का 34 का मुकदमा कायम किया गया था। दोनों तक पक्षों पर मुकदमा हुआ था लेकिन हम लोगों के पक्ष में चालान पेश हुआ था और तत्कालीन सरकार ने उसको CID में खात्मा कर दिया था। वो दूसरे केस को जो हमारे हम लोगों ने उनके ऊपर किया था, तभी से हम लोग ये केस लड़ रहे हैं। ईमानदारी से हम लोगों ने कोर्ट का सम्मान करते हुए सारे लोग जितने भी उसमें बंदे बनाए गए थे सब लोग समय पर APC भी जाते रहे, इसी का ध्यान रखते हुए इसमें कुछ था नहीं तो न्यायपालिका ने हम लोगों को बाइज्जत भरी किया। इस चर्चित मामले में न्यायाधीश जितेंद्र कुमार शर्मा की अदालत ने अंतिम बहस सुनी और मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले के 11 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। सरकारी वकील ने इस मामले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। चुनाव के मद्देनजर नर्मदा नदी में निगरानी के लिए वाटर फ्लाइंग स्क्वाड ने काम करना शुरू कर दिया है। यह स्क्वाड चुनाव के दौरान भी नर्मदा नदी और उसके किनारे अहम भूमिका अदा करेगा। होशंगाबाद जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर प्रियंका दास ने सेठानी घाट पर वाटर फ्लाइंग स्क्वाड को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधानसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए जिले की चारों विधानसभाओं में फ्लाइंग स्क्वाड टीमें गठित की गई हैं जिनके माध्यम से निरंतर निगरानी की जा रही है। इसी कड़ी में नर्मदा नदी में निगरानी रखने के लिए वाटर फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया है। कलेक्टर प्रियंका दास एवं पुलिस अधीक्षक अरविंद सक्सेना द्वारा आज इस फ्लाइंग स्क्वाड को झंडी दिखाई। आगामी विधानसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग होशंगाबाद जिले में जो है रिवर पेट्रोलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इसका उद्देश्य वह निगरानी रहेगा। हमें इनपुट्स आ रहे थे कि जल मार्ग के थ्रू भी खास करके लिकर की तस्करी हो रही है, तो उसको हम लोग मॉनिटरिंग के लिए एंड सीजर के लिए ये एक व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे दो बोट सभी पेट्रोल करेंगे और 24 घंटे इसकी पेट्रोलिंग होगी जिसकी शुरुआत आज हम लोगों ने की है और इसको हम लोग और स्टडी करके अगर हम लोगों को लगे पैटर्न को समझते हुए कि हमको इसको एक्सटेंड करना रहेगा। फ्लाइंग स्क्वाड के साथ कलेक्टर SP तथा अन्य अधिकारियों ने नाव में बैठकर सेठानी घाट से कोरी घाट तक व्यवस्था देखी। वाटर फ्लाइंग स्क्वाड होशंगाबाद की सीमा में नदी के जरिए आने वाले शराब तस्करों को रोकने में कारगर साबित होगा, ऐसा अधिकारियों का मानना है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए तरह तरह के प्रयास प्रशासन कर रही है। लोगों में जागरूकता लाने के लिए छतरपुर में प्रशासन ने वाहन रैली निकाली। छतरपुर में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। इस क्रम में SP कार्यालय में एक विशाल वाहन रैली निकाली गई जो कि शहर के मुख्य मार्ग होते हुए मतदाताओं को जागरूक करते हुए निकली। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर रमेश भंडारी ने कहा कि इस बार जिले का मतदान प्रतिशत कम से कम 80 के पार होना चाहिए। इस विशाल रैली में SP नितिन खन्ना, ASP जयराज कुबेर, CEO जिला पंचायत हर्ष दीक्षित,
एडीएम डीके मौर्य, एसडीएम कमलेश पुरी, तहसीलदार आलोक वर्मा, सीएसपी राजा राम साहू सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अधिक से अधिक मतदान करें, इसलिए हम लोग मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से सभी मतदाताओं को अपील करेंगे कि वो अधिक से अधिक मतदान करें। इसमें सभी शासकीय कर्मचारी एवं अन्य लोग भी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। चलो चलो भाई फटाफट, 15 मिनट में तिलहरी पहुंचना है। कितनी बुकिंग्स मिल जाती है? साहब बुकिंग तो बहुत हो जाती है, लेकिन सारा बेनिफिट बाहरी कंपनियां ले जाती हैं। सोच रहा हूँ कि आइडिया भाजपा को दो कि ऑटो रिक्शा को कस्टमर से जोड़ने वाली ऐप गवर्नमेंट खुद बना दे, ताकि हमारा बेनिफिट हमारी जेब में रहे। रोको रोको, क्या हुआ साहब? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, अभी के अभी भेजो भाजपा को समृद्ध एमपी के लिए। लेट हो रहा है ना, मैं बाद में कर दूंगा। भाई तुम्हारे इस आइडिया से प्रदेश के ऑटो वालों का फायदा होगा, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? बात तो आप सही कह रहे हैं साहब, स्वराज है तो हमें भरोसा है कि हमारा आइडिया सुना भी जाएगा और पूरा भी किया जाएगा। तो फिर समृद्ध एमपी बनाने में देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। प्रिय बहनों और भाइयों, मेरी सरकार का लक्ष्य विकास। यार समृद्ध एमपी के लिए एक शानदार आइडिया है मेरे पास। अखबार छपने की डेडलाइन खत्म हो रही है और तुम लोग बैठकर बातें कर रहे हो। बातें नहीं सर, दरअसल मिलिंद अपना आइडिया शेयर कर रहा था समृद्ध एमपी के लिए। गुड, कोई इफेक्टिव आइडिया? हाँ सर, वही बता रहा था, आज का अखबार निकल जाए तो फिर कल शेयर करता हूँ भाजपा से अपना आइडिया। नहीं नहीं, पहले अपना आइडिया शेयर करो। अखबार के लिए तो रोज काम करते हो, आज प्रदेश के लिए काम करो। शिवराज हैं तो भरोसा कर सकते हैं कि हमारे आइडिया से पूरे प्रदेश को बेनिफिट मिलेगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में इतनी देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। गुस्सा आता है जब किसानों के हक का पैसा जन आशीर्वाद यात्राओं में खर्च हो जाता है, जब जनता के स्वास्थ्य का पैसा बड़े बड़े आयोजनों में उड़ जाता है। अरे गुस्सा आता है जब बच्चों की शिक्षा का पैसा गलियों में होर्डिंग बनके टंग जाता है, जब कर्ज में डूबी हुई सरकार का खजाना विज्ञापनों में खाली हो जाता है। मैं मध्य प्रदेश का एक नागरिक हूं और अब मुझे भी इस विज्ञापनों वाली भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब बेमतलब की नोटबंदी का असर आज भी मेरे व्यापार पर आता है, जब जीएसटी की कठिनाइयों में हर महीने मुझे उलझाया जाता है। अरे गुस्सा आता है जब भाजपा वालों की मदद से कुछ उद्योगपति करोड़ों का चूना लगाकर भाग जाते हैं और हम जैसे छोटे व्यापारियों को कर्ज लेना मुश्किल हो जाता है, और हद तो तब हो जाती है जब ये भाजपा वाले आयोजनों के नाम पर चंदा मांगने आ जाते हैं। मैं मध्य प्रदेश का व्यापारी हूँ और अब मुझे इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।